पोहरी में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर आज पोहरी कॉलेज परिसर में एसडीएम राजन बी नाडिया ने अधिकारी व कर्मचारियों की बैठक का आयोजन किया। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। मौके पर कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि चुनाव सही तरीके से और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाना है। साथ में कर्मचारियों को उनके कार्य विभाजन भी किए गए, जिससे व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। साथ में निर्देश दिया कि सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन सही तरीके से करें। इस दौरान एसडीएम राजन बी नाडिया के साथ तहसीलदार प्रेमलता पाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेंद्र सिंह, महिला बाल विकास अधिकारी नीरज गुर्जर के साथ अन्य अधिकारी मौजूद थे। सर, आज बैठक ली, आप बताएंगे क्या निर्वाचन पंचायत चुनाव होने वाला है, सबको बताया गया काल की गंभीरता को रखें, सरकार को कैसे कैसे अंजाम दिया जाना है, जिससे कि सके संपन्न, इस संबंध में बैठक थी। उसमें जो सी ओ साहब थे, कदमला थे, नायब कदमला थे और सबको आपको दिशा निर्देश दिए गए। जो नए नियम आते हैं सरकार राज्य में शासन से निर्वाचन से प्राप्त होते हैं, उसके बारे में उनको अवगत कराया गया।